हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव जी। नंदकिशोर जी, सीमांचल की इस धरती से बिहार को संदेश मिलेगा आज? देखिए, निश्चित रूप से सीमांचल में हम चारों लोकसभा सीट कभी न कभी जीते हैं और ये हमारी अच्छी धरती रही है। हम विधायक बड़ी संख्या में जीत के जाते हैं और सीमांचल की धरती में जो आज स्थिति है, बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियाँ चल रही हैं, ऐसे समय में गृह मंत्री का आना और ऐसे तत्वों के बारे में विचार करके अपनी बात कहना बड़ा महत्व रखता है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू तो कह रहे हैं कि आप लोग माहौल खराब करने के लिए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। आरजेडी की तो परेशानी और जेडीयू की परेशानी बढ़ी हुई है। जानते हैं कि अमित शाह जो बोलते हैं खड़ा खड़ा बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच सुनने का उनको साहस नहीं, इसलिए उनको परेशानी बढ़ रही है। तो आज उनको यहां से कड़ा संदेश मिलेगा? ये संदेश तो जनता को मिलता है, उनको तो जनता जवाब देगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसको ठीक समझती है उसके साथ जाती है। मैं समझता हूं कि जनता बीजेपी के साथ। एक अंतिम सवाल, 2015 में आप दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे लेकिन उस समय आपकी सीटें बहुत कम रहीं, तो क्या 2025 में या 2024 में आप लोग उस खामी को पूरा कर पाएंगे? देखिए, आप भूलते हैं 2014 में लोकसभा भी हम लड़े थे अकेले, छोटे छोटे दो सहयोगी दल जरूर थे। हमने कितनी सीटें जीती, उनको कितनी सीटें आई, इसका भी अंदाजा करिए ना। ये इस बात को दिखाता है कि दम हम में। बात करने के लिए नंदकिशोर यादव जी थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और बहुत ही सीनियर लीडर। साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी परेशानी अलग है क्योंकि मालूम है उनको गृह मंत्री अमित शाह जब आते हैं तो बहुत खरी बात कहते हैं, सच बोलते हैं जो उन्हें बुरा लगता है। कैमरामैन मान के साथ नीरज पांडे, बीपी न्यूज़, पूर्णिया।